ये जो जातक है इसका नाम है कथा का ऐसी लखन जातक, ऐसी लखन जातक। नंबर है 126, 126। ऐसी लखन का मतलब है जिसके अंदर सील के लक्षण ना हो, यानी जो सीलवान ना हो, जिसके अंदर सील का कोई चरित्र ना हो, कोई करेक्टर ना हो, उसका है ये। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। बेसिकली ये एक घूसखोर ब्राह्मण की कहानी है, जो आपको जातक कथा जो आदर्श है मधुकर पिपलायन जी की, उसमें ये आपको मिल जाएगी। 57 वहाँ पे इसका नंबर है। घूसखोर ब्राह्मण, एक राजा अपने शस्त्रागार में जहाँ उसका शस्त्र होते थे, उसके लिए जो लोग, जो शिल्पी थे, जो लोहार थे, जो लोहे का काम करते थे, वो तलवार बना के लाते थे। तो तलवार बना के लाने का जो काम था, उनको चेक करने का, वो एक ब्राह्मण ने लिया हुआ था। अब कमाल की बात देखिए कि वो कैसे चेक करता था। वो उस तलवार को नाक से सूंघता था और सूंघ के ये कहता था कि ये तलवार मांगलिक है और ये तलवार अमांगलिक है, यानी कि इससे मंगल होगा, इससे मंगल नहीं होगा, ये अच्छी है, ये खराब है। तो कथा तो खैर कथा है, मगर ये बात बड़े कमाल की आज के समय में है कि सूंघ के कोई कैसे बता देगा। अगर नाक पे चलाएगा तो पता चलेगा, या कुछ काटेगा तो पता चलेगा। जैसे जापान के अंदर जो चाकुओं को चेक किया जाता है कि चाकू ठीक धार का या नहीं है, तो वो टमाटर पे, उसको टमाटर पे देखते हैं, टमाटर पे चाकू फिसल जाता है कि टमाटर को एग्जैक्ट काटता है उसकी स्किन को या नहीं, या जो बहुत वैसा कागज़ है, खुरदुरा सा कागज़ है, उसको सही से काटता है या नहीं, यानी जहाँ वो फिसल जाएगा चाकू वहाँ देखते हैं, या कोई प्लास्टिक का कोई पेपर है हल्का सा, बहुत थिन है, उसको काटता है या नहीं। मगर यहाँ तो कथा है, तो वो इसको देखता था कि ये शुभ है, अशुभ है, मांगलिक है, मंगलकारी है या अमंगलकारी है, ऐसा करके उसने वो पोस्ट ली हुई थी। तो जितनी भी तलवारें आती थी, उसको सूंघ के कहता था ये मंगलकारी है और ये अमंगलकारी है। अब तलवार का मंगलकारी क्या होना, तलवार तो हमेशा नुकसान ही करेगी, सरी काटेगी, पापी करेगी, तलवार से कोई फ्रूट तो कटे नहीं है, मगर कथा है। तो वहाँ जो लोहार और शिल्पकार आते थे, वो जब उनकी चेक करता था, तो उसको वहाँ ये पता चल गया कि अगर वो इनकी तलवार को कह देगा कि ये अमंगलकारी है, ये ठीक नहीं है, तो वो बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसने वहाँ करप्शन और भ्रष्टा फैलानी शुरू कर दी और कहा कि तेरी तलवार ठीक नहीं है, ले जा। जब ऐसा होने लगा तो लोहार उसको तलवार के मूल्य में से कुछ मूल्य देने लगे, उसको रिश्वत बोलते हैं, यानी वो भ्रष्ट हो गया, रिश्वत लेने लगा, उसको उसकी आदत पड़ गई और वो सभी से रिश्वत लेने लगा। और सारे लोहार जितने भी थे जो तलवार बनाते थे राजा के लिए, वो बहुत परेशान हो गए। वहाँ पे एक बड़ा बुद्धि का तेज लोहार आया और वो बहुत बढ़िया तलवार बनाता था। मगर उसको एक्स्ट्रा पैसा देना, यानी अपनी मेहनत में से पैसा देना अच्छा नहीं लगता था। भाई मेहनत उसने की है, तलवार उसने बनाई है, पूरा पैसा मिलना चाहिए, उसका क्या पैसा, जो ब्राह्मण है जो चेक कर रहा है उसका क्या पैसा। तो उसने तलवार बहुत अच्छी बनाई और तलवार बनाने के बाद में उसने उसको दिया, उसने वो तलवार देखी, सूंघी और रिजेक्ट कर दी कि ये अमंगलकारी है, ठीक नहीं है, ले जाओ इसको यहाँ से। अब वो बहुत मायूस हुआ। उसने उसकी एक तरकीब निकाली, उसने क्या किया कि वो भरे तलवार में अपनी तलवार ले गया और तलवार में उसने बहुत बारीक पीस के मिर्च का पाउडर लगा दिया, और मिर्च का पाउडर लगा के और ले गया वो। उसने कहा मेरी तलवार आप ले लीजिए। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण महोदय, इसको सूंघ के बताइए कि ये ठीक है या नहीं है। तो ब्राह्मण ने जैसे ही तलवार को सूंघा, वैसे ही उसकी छींक आ गई, और जैसे ही उसको छींक आई, तो छींक में जो उसकी गर्दन ऊपर नीचे हुई, तो तलवार इतनी तेज धार की थी कि उसकी नाक कट गई, नाक का पोर्शन पूरा कट गया। नाक का पोर्शन कट गया छींक से, तो वहाँ खलबली मच गई, खलबली मच गई। राजा ने राजवैद्य को बुलाया और उसकी मरहम पट्टी कराई, क्योंकि वो तलवार को सूंघता था। तो उसने कहा जो तलवार बनाने वाला था कि देखिए महाराज, तलवार कितनी तेज है कि जरा से पंडित महोदय छीके, ब्राह्मण महोदय छीके, और उनकी नाक कट गई, तो तलवार तो पास हो गई। तो राजा समझ नहीं पाया कि कहानी क्या हुई। राजा ने राजवैद्य से कह के उसके लिए, ब्राह्मण के लिए, 1 लाख की तलवार जो नाक थी नकली बनवा दी, और नाक की जो लाख की तलवार नाक थी वो उसके चेहरे पर लगा दी। अब लाख की जो नाक थी वो रुके कहाँ, और अब नाक में खुशबू आए कहाँ से। तो वो जब जब भी नाक उसकी गिर जाती थी, सारे दरवाजे उसके बहुत ज़्यादा उसकी हंसी उड़ाते थे, उसकी खिली उड़ाते थे। तो ये नाक कटे का जो मुहावरा है कि नाक कट गई,
ये नाक कटे का मुहावरा इसी जातक के बाद से आया है। इसने तो नाक कटवा दी, नाक नीची करवा दी, यानी शर्म महसूस करवा दी, और उसका करप्शन जग जाहिर हो गया। ये जो कहानी है ये एक मॉरल जो हमें एजुकेशन देती है, सदाचार की जो एजुकेशन देती है वो ये है कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, भ्रष्ट आचरण नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट आचरण से हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, भ्रष्ट आचरण से हमेशा नीचा देखना पड़ता है, भ्रष्ट आचरण से आपका परिवार भी आप पर हंसेगा। नहीं अगर समझ में आता है तो आप भ्रष्ट आचरण करके देख लीजिए, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका पुत्री, आपका पिता, आपकी माता भी आपके सहयोगी नहीं होंगे। भ्रष्ट आचरण की जिम्मेदारी उसी की होती है जो भ्रष्ट आचरण करता है, और कोई भी इसकी लेस मात्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और ना ही वो मोरली लेगा, क्योंकि जो कर्म, जो कम जो करता है वही उसका फल मिलता है। कम करने वाले को फल मिलता है, बाकियों को फल इसका लेस मात्र कोई ज़्यादा बहुत थोड़ा हो सकता है, मगर सारा फल उसको जाता है। ये इस कहानी का मॉरल है, इस कहानी का आचार है, इस कहानी की शिक्षा है कि आपको भ्रष्टाचरण करेगा तो आपको परमानेंट नुकसान होगा, आपकी नाक कट जाएगी, आपको जीवन भर नीचे देखना पड़ेगा। धन्यवाद।